नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर में हूँ आकाश। ये तो आप जानते ही हैं कि हम रोजाना जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आखिर हमारा दिन आज कैसा बीतने वाला है। और हर किसी की चाहत ये होती है कि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा शुभ रहे, दिन में कोई भी कमी ना रहे। तो इसलिए हम आज आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सुबह उठने के बाद किन किन चीजों का दीदार सबसे पहले करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में खुशियां आने लगे और हमको लाभ होने लगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सुबह उठने के बाद हमें कौन सी चीज सबसे पहले नहीं देखनी चाहिए, हम कौन सी चीजों को देखने के बाद पूरा दिन अपना सफल बना सकते हैं। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर कौन से हैं वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठकर कभी भी आईना यानी कि शीशा नहीं देखना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो दिन भर आपके साथ नकारात्मक चीजें होती रहेंगी, नकारात्मकता अपने घर में, आपके जीवन में, आपके दिन में प्रवेश जरूर कर जाएगी। वहीं आपको बता दें, अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव का ध्यान करके करें, उनके दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें, साथ ही उनका ध्यान जरूर करें तो आपका दिन खुशनुमा बन सकता है। वहीं सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर कराती है और आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार कारोबार या फिर यूं कहें कि आपकी दिनचर्या में आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। वहीं सुबह सुबह नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। वहीं सुबह के समय नाश्ता करने से पहले पशु या किसी गांव का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप उसको सबसे पहले आप सच्चे मन से भगवान का नाम और भगवान का दीदार करने के बाद नाश्ता करें तो बेहतर होगा। साथ ही बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप, शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र होता है कि जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो अपने हाथों को आप देख सकते हैं, उसको देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और आप अपने हाथ देखकर प्रातः स्मरण मंत्र भी बोल सकते हैं, इसको करने से आपका दिन शुभ बन जाएगा, आपके दिन में आपको लाभ जरूर होगा, चिंताओं से आप मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।